दोस्तों, क्या आपके स्मार्टफोन में आपके प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, ना ही कोई ऐप अपडेट हो रहा है? वहां पर लिखकर आ रहा है प्ले स्टोर पेंडिंग प्रॉब्लम या फिर वेटिंग फॉर डाउनलोड प्रॉब्लम, ये लिखकर आ रहा है। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आप इससे बहुत परेशान है? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को, यानी प्ले स्टोर पेंडिंग प्रॉब्लम को या वेटिंग फॉर डाउनलोड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे बारे में भी जान लीजिए। मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मेरे साथ ही क्यों क्यों। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं हो रही है, ये पूरी वर्ल्ड में बहुत से लोगों के साथ क्रिएट होती है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर से कई सारे ऐप्स या गेम डाउनलोड करते हैं, उससे हमारे स्मार्टफोन में कुछ बग्स आ जाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अच्छा, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को, देखिए आपके सामने एप्लीकेशन होगी प्ले स्टोर को, तो प्ले स्टोर पर आपको टैप करके रखना है। जैसे ही आप टैप करके रखेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक यूज़र इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा ऐप इन्फो। ऐप इन्फो पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप इन्फो पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इसी तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अगर दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्ले स्टोर पर टैप करते हैं और ऐप इन्फो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में एक ऑप्शन दिखेगा ऐप मैनेजमेंट करके। अगर आपको आपके स्मार्टफोन में ऐप मैनेजमेंट करके भी कोई ऑप्शन नहीं दिखे तो आपको देखिए ऊपर सर्च बार दिखेगा आपके स्मार्टफोन में, सर्च बार तो होगा सेटिंग वाले सेक्शन में। आपको सर्च बार में जाना है और यहां पर आकर आपको सर्च करना है ऐप लिस्ट। जैसे ही आप ऐप लिस्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का नंबर फर्स्ट पर ऑप्शन आ जाएगा ऐप लिस्ट करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लिस्ट करके, तो आपको ऐप लिस्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे, ऐप्स होंगे, गेम्स होंगे, वो सब यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद आपको सर्च वाले सेक्शन में जाना है और प्ले स्टोर यहां पर आकर आपको सर्च करना है। तो प्ले स्टोर सर्च करते ही आपके सामने गूगल प्ले स्टोर करके एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों आप ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसी पेज पर आ जाएंगे और ऐप इन्फो आपके स्मार्टफोन में ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से सेटिंग्स से आएंगे, तब भी आपके सामने इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज यूसेज का, तो आपको स्टोरेज यूसेज पर क्लिक कर देना है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर कैच का, तो सबसे पहले आपको क्लियर कैच कर देना है। उसके बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आएगा क्लियर ऐप डाटा का, तो आपको क्लियर ऐप डाटा पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्लियर डाटा पर क्लिक करते ही आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, अच्छा ये क्लियर डाटा करने से हमारे स्मार्टफोन का डाटा तो नहीं चला जाएगा, या हमारे व्हाट्सएप में जो डाटा है वो डिलीट हो जाए, या फोटो है हमारे स्मार्टफोन में, वीडियोस है, म्यूजिक है, सॉन्ग्स पड़े हैं, वो डिलीट हो जाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्लियर डाटा करने से आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ना ही आपका कुछ नंबर जाएंगे, ना ही फोटोज डिलीट होंगे, ना ही वीडियोज डिलीट होंगे, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके जो प्ले स्टोर के बग्स होते हैं, यानी प्ले स्टोर का डाटा खत्म हो जाएगा, जैसे आपकी सर्च हिस्ट्री हो गई वो सब आपकी डिलीट हो जाएगी, मतलब प्ले स्टोर में आपने जो जो सर्च करा होगा एप्लीकेशन को, गेम को, वो डिलीट होगा। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगी और ना ही कोई भी एप्लीकेशन का डाटा डिलीट होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो आप एक बात ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे क्लियर डाटा करने को कहा था तो आपके मन में ये एक सवाल पैदा जरूर हुआ होगा कि क्लियर डाटा करने से हमारा कुछ जाएगा तो नहीं, हमारा डाटा तो नहीं चला जाएगा, तो आपको क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको सबको हटा देना है इस तरीके से साइट से। इतना सब करने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन
मिलेगा आपके चैनल के यानी आपकी जीमेल आईडी के प्ले स्टोर आईडी के आइकन का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से कई सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस लिखा है, तो यहाँ पर शायद आपके देखिए ओवर वाईफाई ओनली हो, आस्क मी एवरी टाइम हो, तो यहाँ पर आपको ओवर एनी नेटवर्क पर ही क्लिक रहने देना है। अगर आपका दूसरे पर क्लिक हो तो आपको ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। अब दूसरा ऑप्शन आएगा ऑटो अपडेट्स ऐप्स का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक करके डन पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑटो प्ले वीडियोस करके, तो आपको ऑटो प्ले वीडियोस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा तीसरा डोंट ऑटो प्ले वीडियोस, इस पर आपको क्लिक करके डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन से प्ले स्टोर को हटा देना है, फिर आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। और यहाँ पर आकर आपको देखिए कोई सा भी ऐप डाउनलोड करेंगे, गेम डाउनलोड करेंगे, जैसे देखिए हम रेसिंग गेम, ये ऐप है, गेम है, इसको हम डाउनलोड करने जाते हैं, तो हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इंस्टॉल पर क्लिक करते ही पेंडिंग अभी 2-3 सेकंड तक आपका चलेगा, इससे ज़्यादा 10 सेकंड तक चलेगा, और आपका जो गेम है, ऐप है, वो डाउनलोड होने लगेगा। देखिए हमारा जो गेम है वो डाउनलोड होने लगा है। चलिए मैं आपको कोई दूसरा भी ऐप डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे ये गेम्स था, आप सोचेंगे गेम्स डाउनलोड हो जा रहा है, ऐप नहीं हो रहा है, तो हम ऐप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे डिज्नी प्लस हॉट स्टार है, ये ऐप है, हमें डाउनलोड करना है, हम इसको इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। पेंडिंग लिखा आएगा, पेंडिंग 2-3 सेकंड तक लिखा आएगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड होने लगेगी। देखिए हमारी ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगी है। इसी तरीके से दोस्तों, अब आपके मन में होगा चलिए ऐप तो डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन अब हमारा ऐप अपडेट नहीं हो रहा है। तो ऐप अपडेट देखिए कहाँ से होगा, आपको अपने जीमेल आईडी पर क्लिक करना है, जो लोगो बना है, उसके बाद मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पर क्लिक करना है, अपडेट्स अवेलेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जो ऐप्स अपडेट मांग रहे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर Amazon इंडिया को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम अपडेट पर क्लिक करते हैं, तो देखिए कुछ सेकंड तक, 4-5 सेकंड तक पेंडिंग यहाँ पर लिखा आएगा, और देखिए हमारे जो ऐप्स है ये भी अपडेट होने लगा है। तो रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया है कि आप कैसे पेंडिंग प्रॉब्लम को, वेटिंग फॉर डाउनलोड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।